हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे जहाँ भी होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस को आर्ट एंड कल्चर की, जिसको आप लोग हिंदी में कला एवं संस्कृति के नाम से भी जानते होंगे। क्लासेस आईएएस और पीसीएस दोनों के लिए हैं। यहाँ पर हम आपको पीटी और मेंस दोनों के लिए प्रिपेयर कराते हैं, और मेंस की आंसर राइटिंग भी यहाँ पर आप लोगों के लिए कराई जाती है। कल आपको 6 से 7 क्वेश्चन है वो लिखने के लिए दिए गए थे, और 3 क्वेश्चन के हम आपको फॉर्मेटिंग और आंसर भी लिखाए थे। और आज हम लोग देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है मंदिर स्थापत्य कला। कला हम लोगों ने आराम से ही हमने स्तूप को कवर कर लिया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया था। तो आज इसी तरह से हम लोग मंदिर स्थापत्य कला है इसको स्टार्ट करेंगे, और लगभग में 2 से 3 लेक्चर में इसको पूरा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ओके, तो देखिए आज भी आपको कुछ मेंस के क्वेश्चन है वो आपको लिखाई जाएंगे, और ये पार्ट नंबर आपको 7 देखने को मिलेगा। जो लोग यहाँ से अपनी क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग 14 से 15 पेज स्किप कर दें, फिर उसके बाद में लिखना प्रारंभ करें। आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर नोट्स भी बनाए जाते हैं, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है कि नोट्स कहाँ से लेकर के आए हैं। तो सब कुछ यहाँ पर A to Z आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है। देखिए अब रेगुलर आप लोगों की क्लासेस यहाँ पर हो रही हैं, आप डेली शाम को 9 बजे आया करेंगे, यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली एक क्लास मिला करेगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक अनाउंसमेंट है। तो अगर आप लोग न्यू बैच हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने 3 फ्री ऑफ कॉस्ट बैच लॉन्च किए हैं, जिसमें फर्स्ट बैच है UPPCS, दूसरा BRPCS, तीसरा UPSC यानी कि IAS का बैच। 27 जून से हम फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं अपने YouTube चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, यहाँ पर आपको बहुत कुछ नया नया मिलने वाला है। ओके, और जो हमारा 10,000 का सब्सक्राइबर का जो टारगेट है उसे जल्द से जल्द आप लोग पूरा कर दीजिए। वैसे आप लोग इतना सारा प्यार कर रहे हैं, इतनी तेजी से अपने चैनल को प्यार दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी इसके सब्सक्राइबर हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसी तरह से आप लोग प्यार दिखाते रहिए, हम आप लोगों के लिए प्रीमियम कंटेंट है वो लाते रहेंगे। ओके, तो जिन लोगों ने देखिए सेकंड फाउंडेशन बैच या अचीवर बैच में एडमिशन लिया है, तो उनकी जो कुछ क्लासेस बची हैं वो यूट्यूब पर 9 बजे शाम को कराई जाएंगे। तो आप लोग आकर के जरूर ज्वाइन होइए 9 बजे, और यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखिए अभी नया बैच जो 27 जून से स्टार्ट हो रहा है उसकी क्लासेस अभी स्टार्ट नहीं हुई है। कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आपने अभी तक इन्फॉर्म ही नहीं किया और क्लासेस स्टार्ट कर दी। तो अभी आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है, ये जो हमारी ऐप पर एडमिशन लिए थे तो उनकी कुछ क्लासेस बची हैं वो यहाँ पर कराई जा रही हैं। ओके, तो देखिए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस को। ओके, तो देखिए आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए स्तूप वाला यहाँ पर लग गया है, ये देखिए लास्ट क्लास का ये लग गया है, कोई बात नहीं इसको हटा देते हैं। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर मंदिरों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर हम मंदिर की बात करें तो लगभग में सभी लोगों ने मंदिरों को तो एक बार देखा ही होगा, और आप लोग अक्सर गए भी होंगे। भारत में रहते हैं तो आप मंदिरों में नहीं गए ऐसा हो नहीं सकता। ओके, या फिर आपने कभी मंदिर को नहीं देखा ऐसा कभी हो नहीं सकता। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको मंदिर दिखाई देंगे, लेकिन विभिन्न शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया जाता है। तो समानता अगर हम इसका वर्गीकरण करें तो यहाँ पर हमें 3 तरह की शैलियां देखने को मिलेंगी, जिसमें एक नागर शैली, दूसरा बीसर शैली के मंदिर होते हैं, और तीसरा द्राविड़ शैली के आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। और अभी आपको कल बताएंगे कि जो हमारा राम मंदिर है जो अयोध्या में बनना है वो किस शैली पर आधारित है, वो भी आप लोगों के लिए समझ में आ जाएगा। तो देखिए आपको इस तरह से भारत दिखाई देगा। देखिए एक हम भारत का यहाँ पर छोटा सा मैप बना देते हैं, आप लोग भी बना सकते हैं इस तरह से। ओके, तो देखिए कुछ इस तरह से आपको भारत दिखाई देगा। तो ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर हिमालय से लेकर के, और देखिए यहाँ पर एक विंध्यन रेंज है। ओके, इस तरह से दूसरे कलर से विंध्यन रेंज को बना देते हैं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर दिखे। देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी, और इधर आपको कुछ इस तरह से कृष्णा नदी देखने को मिलेगी। तो देखिए विंध्यन से उत्तर की ओर जाएंगे, यानी कि हिमालय से लेकर के उत्तर तक नागर शैली में, नागर शैली का विकास हुआ है, और इसी शैली में मंदिरों का निर्माण आपको दिखाई देगा। ओके, और फिर आप लोग विंध्यन से नीचे आएंगे, विंध्यन से और कृष्णा नदी जो घाटी है इसके बीच में जो समानता मंदिरों का विकास हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेगा समानता। बेसर शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे, और देखिए आप कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक आएंगे तो यहाँ पर आपको द्राविड़ शैली में आपको मंदिर दिखाई देंगे। तो देखिए इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, इनकी विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे A to Z। जैसे कि अगर आप मंदिर देखेंगे तो उसमें देखिए इस तरह से मंडप होते हैं बहुत सारे, जिनको बहुत सारा नृत्य मंडप होता है, अर्ध मंडप होता है, सभी में अलग अलग आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए इसमें देखिए ये आपको अर्ध मंडप, फिर मंडप, फिर आपको आपको देखिए गर्भगृह इस तरह से देखने को मिलेगा, ऊपर आपको ये जो शिखर होता है वो आपको देखने को मिलेगा, और इधर देखिए यहाँ पर आमलक है,
और उसके ऊपर एक कलश रखा हुआ आपको दिखाई देगा। तो इस तरह से बहुत सारी विशेषताएं होती है, और इसके ऊपर एक फ्लैग भी लगा हुआ होता है, मतलब झंडा झंडा भी लगा हुआ होता है। देखिए इस तरह से आपको झंडा दिखाई देगा, ओके। लेकिन सभी शैलियों में कुछ कुछ अंतर पाया जाता है, वो हम अंतर की भी बात करेंगे। देखिए यहाँ पर इस तरह से ये नागर शैली का बहुत ही विस्तृत यहाँ पर एक इमेज दिया रखा है, आप लोग इसको देख सकते हैं कि बहुत सारे इसमें मंडप बने हुए हैं, बहुत सारी चीजें हैं। इन सभी चीजों को आपको एकदम रटा दिया जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो आप लोगों को हेडिंग डालना है मंदिर स्थापत्य कला, मंदिर स्थापत्य कला। अब देखिए आप लोगों के लिए यहाँ से नोट भी करना है, ओके। आपको प्रॉपर नोट्स भी बनवाए जाते हैं तो आपको नोट भी करते हुए चलना है। देखिए मंदिर स्थापत्य कला में हम लोग क्या क्या देखेंगे। देखिए जो वो दूसरा वाला बोर्ड है जिसमें राइटिंग बहुत अच्छी आती है वो हैंग करता रहता है, तो इसलिए हम उस पर पढ़ाना बंद कर दिए हैं। ये वाला है इस पर पढ़ाते हैं, इस पर राइटिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर एक पेन है वो प्रो वर्जन वाला यहाँ पर चलता नहीं है, ओके। तो वो जो डिजिटल बोर्ड होते हैं उन्हीं के लिए वो होता है, और कंप्यूटर के लिए वो सब्सक्रिप्शन दे नहीं रहे हैं। हमने बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट किया था इधर उधर, फिर भी हमको नहीं मिल रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। तो देखिए ये आपको देखने को मिलेगा कि हम सबसे पहले मंदिर स्थापत्य कला में संकल्पना के बारे में देखेंगे कि आखिर मंदिर हैं उनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, मंदिरों का निर्माण क्यों किया गया, मंदिरों का विकास क्यों हुआ, ओके। इनके पीछे कौन कौन से कारण थे, इन सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंदिर की संकल्पना की बात करेंगे, एवं मंदिर का जो दर्शन है उस दर्शन की बात करेंगे, ओके। हम दर्शन की बात करेंगे, इसके अलावा हम बात करेंगे कि मंदिरों का उद्भव और विकास कैसे हुआ, उद्भव एवं जो विकास है वो कैसे हुआ, ये हम दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे। और इसके अलावा हम विकास के कारणों पर भी बात करेंगे कि आखिर मंदिरों का विकास क्यों किया गया, इसके पीछे कौन कौन से कारण थे। तो मंदिरों के विकास के कारणों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ओके। कारण कौन कौन से थे, इसके अलावा हम मंदिर की शैलियों पर बात करेंगे कि मंदिर की कौन कौन सी शैलियां होती हैं। तो हम मंदिरों की शैलियों पर बात करेंगे। देखिए अगर हम शैलियों की बात करें तो आपको ये किसमें देखने को मिलेगा, नागर शैली, दूसरा आपको देखने को मिलेगा बेसर शैली, तीसरा आपको देखने को मिलेगा द्राविड़ शैली, द्राविड़ शैली, ओके। और इन तीनों में हम लोग क्या करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे। और देखिए ये मेंस का जो तुलनात्मक अध्ययन से ये मेंस का टॉपिक आपको देखने को मिलेगा, ओके। इसके अलावा हम देखेंगे भारतीयों के जीवन में मंदिरों की भूमिका क्या है, भारतीयों के जीवन में मंदिरों की भूमिका, ओके। हम इस भूमिका की भी बात करेंगे। देखिए अगर हम बात करें यहां पर, देखिए ये वाला जो पार्ट है ये आपको मेंस के पार्ट देखने को मिलेंगे, ये जो पार्ट है ये आपको मेंस के देखने को मिलेंगे, ओके, मुख्यतः। और जो ये वाला पार्ट है ये पीटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगा, और ये भी पार्ट है ये भी आपको मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा, ओके। और जो तुलनात्मक अध्ययन है वो भी वहां पर भी मेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बारे में, ओके। तो देखिए इनका विकास किस तरह से और कैसे कैसे हुआ, तो हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज। देखिए आपको यहाँ पर एक नोट करके एक चीज लिख लेनी है अगर आप लोग लिखना चाहते हैं। देखिए कुषाण काल में या फिर आपको देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं मौर्योत्तर काल, जो मौर्योत्तर काल है, मौर्योत्तर काल में सर्वप्रथम मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ, मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ, ओके। मूर्ति निर्माण प्रारंभ हुआ। अब देखिए अब आपको बताते हैं किस तरह से ये सारी चीजें विकसित हुई। तो देखिए सबसे पहले है
वो भगवान की मूर्ति है वो बनाई गई। देखिए आस्था है भगवान के प्रति, है लोगों की बढ़ने लगी, तो फिर इस तरह से भगवान की मूर्तियों को बनाया गया। अब देखिए हमको, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं है, तो मान लीजिए इस तरह से भगवान की मूर्तियों को बनाया गया। अब एक भगवान की मूर्ति तो आ गई, लेकिन भगवान की मूर्ति के बाद में हमें आवश्यकता पड़ी कि इन भगवान को कहाँ पर रखा जाए, इनके लिए एक आवास की भी आवश्यकता हुई। तो धीरे धीरे संकल्पना आई, मंदिरों की संकल्पना उभर के आई, क्योंकि इन भगवान के लिए एक एक घर की, एक आवास की आवश्यकता थी, तो उसके लिए एक मंदिर का कॉन्सेप्ट निकल के आया। तो आप देखेंगे समय काल के साथ हल्के हल्के मंदिरों का विकास होना प्रारंभ हुआ, और अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग शैलियों में मंदिर हैं वो बनना प्रारंभ हो गए। और मंदिरों के लिए माना गया कि जो ब्रह्मांड और जो पृथ्वी है इनके बीच के संपर्क के रूप में देखने को मिलता है, और जो हमारा परलोक है, तो परलोक को एक तरह से इस लोक में उतारने की संकल्पना से संबंधित आपको मंदिर देखने को मिलेंगे। तो हल्के हल्के इस तरह से मंदिरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो चलिए हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए जो जब मंदिरों जो मंदिर थे जब वो बनना प्रारंभ हुए, तो इस तरह से आपको देखिए भारत देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर विंध्यन रेंज देखने को मिलेगी, इधर आपको कृष्णा देखने को मिलेगी। तो इधर नागर शैली में मंदिर है वो बनना प्रारंभ हुए, और इधर आपको बेसर शैली में मंदिर बनना प्रारंभ हुए, और इधर आपको द्राविड़ शैली में मंदिर है वो आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो इस तरह से मंदिरों का विकास हुआ। लेकिन देखिए जो नागर शैली है, ओके, जो नागर शैली है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसका जो विकास है वो 100 BC से लेकर के आपको देखने को मिलेगा। इसका जो विकास है वो लगभग में 1200 AD तक, 1200 AD तक इसका विकास आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जो बेसर शैली है ये 600 AD से लेकर के, 600 AD से लेकर के 1700 AD तक आपको इसका विकास देखने को मिलेगा। इसी तरह से जो द्राविड़ शैली है इसका भी विकास समकालीन हुआ था, इसके 600 AD से लेकर के आपको देखने को मिलेगा 1300 AD तक इन मंदिरों का आपको विकास देखने को मिलेगा। ओके, तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। जो द्राविड़ है इनका विकास है ये पल्लव, जो पल्लव शासक थे जो, और चोलों के संरक्षण में। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा जो विजयनगर और जो आपको देखने को मिलेगा नायक शासक थे ना, इनके संरक्षण में यहाँ पर द्राविड़ शैली का विकास होना प्रारंभ हुआ। अगर हम इनके कालक्रम की बात करें तो आपको 600 AD से लेकर के आपको देखने को मिलेगा कि 1700 से लेकर के 1800 AD तक इनका समय माना जाता है, एडी तक इनका समय माना जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपको इस तरह से देखने को मिलेंगी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं मंदिर की संकल्पना के बारे में, आखिर मंदिर क्या है, तो मंदिर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मंदिर, या फिर जिसको देवालय के नाम से जानते हैं। ओके, जहां पर देव लोग आश्रय करते हैं उनको बोलते हैं देवालय के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मंदिर के बारे में। तो यहां से आपको थोड़ा सा नोट डाउन करना है। तो देखिए जो मंदिर है वो आपको देखने को मिलेगा देवी और देवताओं के निवास स्थल से इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। मंदिरों में कौन रहता है, भगवान की मूर्ति आपको देखने को मिलेंगी ना। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर एक देवी देवताओं, ये सब कुछ आपको नोट करते हुए चलना है। देवी देवताओं के निवास स्थान से इसका संबंध आपको देखने को मिलेगा। ओके, दूसरा आपको मंदिरों के अंदर आपको विभिन्न कलाओं का संगम देखने को मिलेगा। देखिए मंदिर ना केवल यहाँ पर धर्म से संबंधित है, बल्कि मंदिरों के अंदर आपको मूर्ति कला देखने को मिलेगी, चित्रकला देखने को मिलेगी, संगीत देखने को मिलेगा, नृत्य देखने को मिलेगा, हमारी परंपराएं देखने को मिलेगी। तो मंदिरों ने हमारी जो परंपरा है, भारतीय परंपरा है, उसको सजो करके रखा है। तो देखिए आपको मंदिर है वो आपको कलाओं का संगम देखने को मिलेगा, ना केवल मंदिर है वो सिर्फ पूजा के लिए या फिर भगवान के लिए उसका उपयोग किया जाता है, बल्कि ये विभिन्न कलाओं का आपको एक जगह पर ही संगम देखने को मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो विभिन्न कलाओं का
या फिर कलाओं के संगम के रूप में, आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखिए स्थापत्य कला, मंदिरों का भव्य से भव्य निर्माण किया गया, तो आप देख सकते हैं कि एक स्थापत्य कला भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा मंदिर के अंदर विभिन्न मूर्तियां होती हैं, तो मूर्ति कला का भी यहाँ पर आपको संगम देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर विभिन्न चित्रकारियां की जाती हैं, तो चित्रकला है वो भी मंदिरों के अंदर देखने को मिलेगी। और साथ में नृत्य संगीत परंपरा, साहित्य, साहित्य कला हो गई, साहित्य धर्म दर्शन सब आपको यहाँ पर देखने को, एक ही जगह पर देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए जो मंदिर है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल रखते हैं। इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें दार्शनिक पक्ष की, जो दार्शनिक पक्ष है अगर हम इसकी बात करें, तो देखिए जो मंदिर है, उसका विकास है वो उस रूप में किया जाता है जैसे एक जो मानव होता है, उसी तरह जैसे मानव का एक शरीर होता है, मतलब सिर होता है, फिर धर होता है, फिर पैर होता है, उसी तरह से मंदिरों का निर्माण किया जाता है। और अगर हम इसके दार्शनिक पक्ष की बात करें तो मंदिर है वो पृथ्वी पर, तथा अंतरिक्ष के बीच में आपको संवाद के रूप में देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसके दार्शनिक पक्ष को देखते हैं। तो देखिए अगर हम इसके दार्शनिक पक्ष की बात करें तो आपको कुछ इस तरह से मंदिर देखने को मिलेगा। देखिए जैसे मनुष्य कैसा होता है, देखिए अब मनुष्य तो हम अच्छे से बना नहीं पाएंगे, तो समझ लीजिए यही क्या है मनुष्य इस तरह से। देखिए इस तरह से ये मनुष्य, अब देखिए थोड़ा थोड़ा तो लगता है ना ये मनुष्य, देखिए उसका सिर है, दो हाथ हैं, फिर पैर है, अभी तो टोडी बना देते हैं, इस तरह से आपको मनुष्य कुछ दिखाई दे रहा है। इसी तरह से कहा गया है कि मंदिरों का विकास होना चाहिए। मंदिरों में भी क्या होता है, इस तरह से आपको देखिए उसके ऊपर का भाग एक देखने को मिलेगा, जैसे कि सिर होता है वैसे ही मंदिरों का भी आपको देखने को मिलेगा, देखिए कुछ इस तरह से। ओके, और देखिए फिर उसके बाद में जो मेन पार्ट होता है जिसको गर्भगृह बोलते हैं, वो इस तरह से कुछ आपको देखने को मिलेगा, जो गर्भगृह होता है वो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। ओके, और फिर देखिए मंदिर का एक बेस होता है, क्या देखने को मिलेगा, मंदिर का इस तरह से आपको एक बेस भी देखने को मिलेगा। तो देखिए जिस तरह से मनुष्य का पैर होता है, मतलब जो आधार होता है, उसी तरह से मंदिर का भी आपको एक आधार देखने को मिलेगा। तो मंदिरों का निर्माण इस तरह से किया जाना चाहिए, जैसे एक मनुष्य का शरीर होता है, जिस तरह से मनुष्य का यहाँ पर देखिए सिर होता है, उसी तरह से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मंदिरों का भी ऊपर का पार्ट आपको देखने को मिलेगा। और मंदिरों के ऊपर भी आपको इस तरह से आमलग देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से आमलग होता है और फिर उसके ऊपर इस तरह से बना हुआ होता है। ओके, और फिर इसके ऊपर भी इस तरह से होता है। हमारी ये ड्राइंग ज्यादा अच्छी नहीं है तो आप लोग अपने आप से बना लीजिए। और इसी तरह से देखिए मनुष्य का मध्य भाग होता है, उसी तरह से मनुष्य का ये आपको मध्य भाग आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से ये क्या होता है, मंदिर का निर्माण होता है। ओके, तो देखिए ये क्या होता है, गर्भगृह होता है, और ये क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा होता है, आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए मंदिरों का निर्माण किस तरह से किया जाना चाहिए, तो मंदिरों का निर्माण कुछ इस तरह से किया जाना चाहिए। तो दार्शनिक पक्ष में अगर हम बात करें तो मंदिर पृथ्वी, तथा अंतरिक्ष, के बीच गति गति कौमा लय के रूप में, संकल्पित किए गए हैं, ओके, दूसरा आप अगर हम इसके पॉइंट की बात करें तो माना, ऐसा माना जाता है कि माना जाता है कि माना जाता है कि मंदिर ब्रह्मांडीय संसार, के धरातल पर,
धरातल पर प्रकटीकरण होते हैं, प्रकटीकरण होते हैं। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा देखिए तीसरा पॉइंट है, वो भी आप लोग नोट कर दीजिए। देखिए शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में जैसे कि आपको देखने को मिलेगा मयमत, मानसार, मयमत, मानसार, अपराजित प्रेक्षा। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है इसलिए हम नेक्स्ट पेज पर लिख ले रहे हैं, आप जल्दी से नोट कर लीजिए। शिल्प शास्त्र के ग्रंथों में जैसे मयमत, मानसार और अधिकार आपको देखने को मिलेगा अपराजित प्रेक्षा आदि। ओके, तो इनमें क्या किया गया है, मंदिरों मंदिरों की जो संकल्पना है वो वास्तु पुरुष के रूप में की गई है, में मंदिरों की संकल्पना वास्तु पुरुष के रूप में की गई है। जिस प्रकार मानव शरीर पद, जो पाद होता है, मतलब पाद का मतलब होता है पैर। ओके, पैर से शिखा तक कई भागों में बटा होता है, कई भागों में बटा होता है, वैसे ही मंदिर बनने चाहिए, वैसे ही मंदिर बनने चाहिए। क्या होने चाहिए, जो मंदिर है वो उसी तरह से बनने चाहिए जैसे कि अभी हम आप लोगों के लिए दिखाए हैं। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मंदिरों का उद्भव एवं विकास है वो किस कालक्रम में किस तरह से हुआ वो हम लोग देखते हैं। फिर हम लोग विकास के कारणों के ऊपर आते हैं, विकास के कारणों से संबंधित बहुत सारे आपको मेंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको हेडिंग डालना है मंदिरों का उद्भव एवं विकास, मंदिरों का उद्भव एवं विकास, उद्भव एवं विकास। देखिए अगर हम मंदिरों के उद्भव एवं विकास की बात करें तो विभिन्न कालक्रम में हल्के हल्के मंदिरों का विकास होना प्रारंभ हुआ। तो देखिए मंदिरों का जो विकास है वो समानता आपको 100 BC से लेकर के, फिर आपको 1700 से लेकर के 1800 AD तक आपको मंदिरों का विकास आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इसमें नंबर एक आपको नागर शैली की अगर बात करें तो सबसे पहले नागर शैली में मंदिर हैं वो बनना प्रारंभ हुए। नागर शैली देखिए, नागर शैली, बेसर शैली, द्रावण शैली, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे सब विस्तार में, एक एक पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, जो नागर शैली में जो मंदिर बने थे वो आपको देखने को मिलेगा, जो मौर्योत्तर काल है वहां से बनना प्रारंभ हुए। कहाँ से, मौर्योत्तर काल से, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 100 BC से लेकर के, और यहाँ पर प्रारंभ क्या हुआ था, मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल। ओके, फिर देखिए यहाँ पर गुप्त काल, आपको मौर्योत्तर काल के बाद में गुप्त काल देखने को मिलेगा, और फिर आपको पूर्व मध्य काल तक,
पूर्व मध्य काल तक जो बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण है वो होता रहा 1200 AD तक। ओके, फिर आपको इसके अलावा आपको देखने को मिले, देखिए इसका कलर चेंज कर देते हैं 1 सेकंड रुकिए, जिससे आपको एकदम हेडिंग है वो अलग से दिखाई दे। ओके, दूसरा हम लोग देखते हैं जो बेसर शैली में मंदिर बने थे, बेसर शैली में जो मंदिरों का विकास हुआ था उसके बारे में। देखिए अभी शैली के बारे में हम नहीं पढ़ा रहे हैं, बस अभी नाम लिखा रहे हैं। ओके, तो देखिए इसके अगर हम विकास की बात करें तो इसका विकास है वो आपको देखने को मिलेगा 600 AD से प्रारंभ हुआ, और ये कहाँ पर लगभग में आपको मध्य भारत में आपको देखने को मिलेगा, विंध्यन के नीचे से, मतलब जो विंध्यन से श्रेणी है उसके नीचे और कृष्णा नदी है उससे ऊपर, यानी कि उसके उत्तर में। ओके, तो वहां पर बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण है वो प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पर जो पल्लव शासक थे, पल्लव शासक साथ में, सॉरी जो बेसर शैली है वो उसमें पल्लव नहीं थे, इसमें आपको देखने को मिलेगा पश्चिमी चालुक्य, पश्चिमी चालुक्य। ओके, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा राष्ट्रकूट, राष्ट्रीय कूट, और जो देखने को मिलेगा होयसल। ओके, ये लगभग में 1300 AD के बीच में बेसर शैली में मंदिरों का निर्माण है वो प्रारंभ हुआ। इसके अलावा आपको फिर देखने को मिलेगा द्राविड़ शैली। तो चलिए हम लोग तीसरी शैली के बारे में भी बात कर लेते हैं, जो है द्राविड़ शैली। तो द्राविड़ शैली में दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेंगे मंदिर बनना प्रारंभ हुए कृष्णा नदी से लेकर के कन्याकुमारी के बीच में। ओके, ये भी कब से लेकर के, ये 1600 AD से ये मंदिर बनना प्रारंभ हुए, और यहाँ पर किन किन शासकों के संरक्षण में, तो पल्लव, इसके अलावा चोल शासक उनके संरक्षण में इन मंदिरों का निर्माण हुआ, और फिर जो विजयनगर है, विजयनगर है उनके संरक्षण में मंदिरों का निर्माण हुआ, और फिर जो नायक शासक थे उनके संरक्षण में भी इसका विकास हुआ। तो ये आपको देखने को मिलेगा 1700 AD तक। ओके, 1700 AD तक यहाँ पर मंदिर हैं वो द्राविड़ शैली में बनते रहे। तो इस तरह से आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ, मतलब इस तरह से नोट कर लेना है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इस स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर लाइट चली गई है लेकिन कोई बात नहीं, और आप लोगों का आज एग्जाम भी था तो आप लोग आज एग्जाम दे रहे होंगे। एक्चुअली अभी हमने यहाँ पर पेपर नहीं देखा है क्योंकि अभी दोपहर में हम आपकी क्लास है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इस वजह से क्लास के बाद में अभी आप लोगों का पेपर देखेंगे कि कैसा आप लोगों का पेपर हुआ। ओके, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मंदिरों के विकास के कारणों पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा परिचर्चा कर लेते हैं। तो मंदिरों के विकास के कारण, कि आखिर मंदिरों का जो विकास का क्या कारण था। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट है वो अभी क्लास नहीं ले पा रहे थे क्योंकि अभी IAS का पेपर आ गया है, और साथ में बहुत सारे स्टूडेंट है वो UPBCS का भी पेपर दे रहे हैं तो वो क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अब आपके दोनों एग्जाम हो जाएंगे फिर आप लोग प्रॉपर रूप से क्लास ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए आपकी मेंस की भी तैयारी कराई जाती है, देखिए इतने सारे आपको आंसर हैं वो लिखाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं मंदिरों के विकास के कारण। तो हम मंदिरों के जो विकास है उसके बारे में हम पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे यहाँ पर। देखिए कॉल आ रहा था, कोई बात नहीं। तो देखिए मंदिरों के विकास के पीछे बहुत सारे कारण थे। अगर देखिए हम मंदिरों के विकास के कारणों की बात करें तो यहाँ पर एक कारण आपको देखने को मिलेगा, राजनीतिक कारण भी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर जो राजनीतिक वाले लोग थे वो भी यहाँ पर मंदिरों को एक तरह से संरक्षण देते थे, और वो काफी यहाँ पर मंदिरों का निर्माण करा देते थे जिससे मंदिरों के विकास को काफी बढ़ावा मिला।
साथ में जब लोग थे, मतलब इसके पीछे आर्थिक कारण भी बहुत सारे थे। आर्थिक कारणों के पीछे आपको देखने को मिलेगा, जब राजा लोग होते थे वो सामंत लोगों के लिए भूमि दे देते दे दे थे। जब उनको भूमि दे देते दे थे तो उनके पास में बहुत सारा धन बन आता था, जिस कारण जो सामंती लोग थे वो बिलासीपूर्ण जीवन जीने में ज्यादा रुचि रखते थे, तो वो बहुत सारे भव्य मंदिरों का निर्माण कराते थे। तो इसके पीछे एक रीजन ये भी देखने को मिलेगा। और साथ में सामंत लोग थे वो मंदिरों को संरक्षण देते थे, और जो मंदिर थे वो सामंत लोगों को भी संरक्षण देते थे, क्योंकि मंदिर है वो एक तरह से न्याय का कार्य भी करते थे, न्याय देते थे, तो वहां पर फिर सामंतों के लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाता था। ओके, तो इस तरह से आपको बहुत सारे कारण देखने को मिलेंगे। सामाजिक कारण थे, शैक्षणिक कारण भी आपको देखने को मिलेंगे, धार्मिक कारण भी आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। चलिए हम वन बाई वन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। ओके, तो देखिए मंदिरों में आपको देखने को मिलेगा, देखिए मंदिरों में बहुत सारी मूर्तियां मूर्तियां अभी हम आपको बताए थे, विभिन्न कलाओं का आपको यहाँ पर संगम भी देखने को मिलेगा। तो इसके पीछे जो हमारा साहित्यिक कारण है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे शिल्पकार थे और चित्रकार थे, उनका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान देखने को मिलेगा। ओके, तो देखिए भारत में, यहाँ पर आपको नोट करना है, भारत में हजारों वर्षों के दौरान, हजारों वर्षों के दौरान, आप लोगों के लिए नोट करना है, सिर्फ देखना नहीं है। ओके, दौरान हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के बीच हजारों मंदिरों का निर्माण हुआ, हजारों हजारों मंदिरों का निर्माण हुआ। इसमें से अधिकांश मंदिर इसमें से अधिकांश मंदिर इनमें से अधिकांश मंदिर पूर्व मध्यकाल आपको देखने को मिलेगा, 700 से 1200 ईस्वी सन आपको देखने को मिलेगा। ओके, पूर्व मध्यकाल में हुआ, पूर्व मध्यकाल में हुआ मंदिर निर्माण के अनेकानेक कारण हैं, अनेकानेक कारण थे, है नहीं थे लिख लीजिए क्योंकि निर्माण हो चुका, जो निम्नलिखित थे, निम्न यहां पर थोड़ा सा हैंग कर रहे हैं, आप लोग लिख लीजिए इसके आगे। ओके, जो निम्नलिखित हैं तो आपको पॉइंट फॉर्म में यहाँ पर लिखना है, हेडिंग आप लोग चेंज कर लीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं धार्मिक कारण, नंबर एक सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं धार्मिक कारण। तो हेडिंग डालिए आप लोग, मंदिरों के विकास के पीछे कौन कौन से धार्मिक, या फिर आप लोग इसको दार्शनिक भी बोल सकते हैं, धार्मिक या दार्शनिक कारण की अगर हम लोग बात करें। तो देखिए मंदिर निर्माण के पीछे बहुत सारे धार्मिक एवं दार्शनिक कारण भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मंदिरों के निर्माण के पीछे, निर्माण के पीछे भक्ति की विचारधारा का, भक्ति की विचारधारा का महत्वपूर्ण योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका उद्भव 100 BC के लगभग हुआ, 100 BC के लगभग हुआ। भक्ति के तहत
भक्ति के तहत देवी देवताओं के प्रति देवी देवताओं के प्रति समर्पण की भावना का विकास हुआ। इससे देवी देवताओं को मूर्तियों में उतारने की संकल्पना का विकास हुआ। संकल्पना का विकास हुआ। मूर्ति निर्माण के बाद देवताओं के लिए आवश्यकता के कारण मंदिरों का विकास हुआ। मंदिरों के निर्माण के पीछे निर्माण के पीछे पुण्य कर्म की भावना का योगदान था। पुराणों में पूर्व धर्म के विचारों के तहत मंदिर निर्माण को पुण्य काम घोषित किया गया। किया गया ओके। अब देखिए, जब पुण्य काम घोषित किया गया, पर सामंत लोग होते थे, राजा होते थे, इतने सारे वध करते थे, अपने भाइयों को मरवा देते थे, युद्ध करते थे जा करके। अब भाई पुण्य भी तो वही करेंगे, और उन्हीं के पास क्या होता था, भर भर के पैसा होता था। अब देखिए, भर भर के पैसा होता था तो पुण्य का काम माना जाता था कि भाई आपने पाप किए, चलो 2-3 मंदिर तो बनवा दो तो आपके पुण्य है, वो आपके पाप है वो उतर जाएंगे। इसके अलावा आम लोग होते थे, वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर है, जितना उनसे हो सकता था उतना चंदा देते थे, उतना अपनी श्रद्धा भाव से सारी चीजें देते थे। तो उस पैसे को कलेक्ट करके भी विभिन्न मंदिरों का विकास किया जाता था। तो देखिए, एक मेन मंदिर होता था, उसके बाद में बहुत छोटे छोटे मंदिरों का विकास होने लगता था। तो ये सारे कारण आपको मंदिरों के देखने को मिलेंगे ओके। तो देखिए, मीन्स के क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो आप लोग इस तरह से उसके आंसर लिख सकते हैं।
हम लोग राजनीतिक कारण भी देख लेते हैं। तो चलिए राजनीतिक कारण कौन कौन से थे उनको भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो दूसरा हेडिंग यहाँ पर डालिए, राजनीतिक कारण मंदिरों के विकास के पीछे राजनीतिक कारण। ओके, तो देखिए अगर हम राजनीतिक कारणों की बात करें तो देखिए राजनीतिक कारण भी काफी प्रमुख थे मंदिरों के विकास के लिए। तो मंदिरों के निर्माण के पीछे, मंदिरों के निर्माण के पीछे, निर्माण के पीछे राजनीतिक प्रशासन और प्रशासनिक, राजनीतिक प्रशासनिक प्रशासनिक कारकों ने भी, प्रशासनिक कारकों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्व मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल में भारतीय राजनीति, भारतीय राजनीति में अनेक नवीन, भारतीय राजनीति में अनेक नवीन राज्य वंशानगत, सॉरी यहाँ पर भारतीय राजनीति में अनेक नवीन राजपूत राज्यों, राजपूत राज्यों जैसे कि आपको देखने को मिलेगा चंदेल, चौहान, प्रतिहार, गहड़वाल, पाल सेन, पाल कौमा सेन आदि राजपूत राज्यों की स्थापना हुई, की स्थापना हुई। ए नमीन राज्य वंशानुगत राज्य नहीं थे, वंशानुगत राज्य नहीं थे, नहीं थे। इन्हें नई नई सत्ता, इन्होंने नई नई सत्ता, नई नई सत्ता स्थापित की थी, अतः इनमें से अधिकांश, अतः इनमें से अधिकांश राज्यों, अधिकांश राज्यों ने जनता के बीच, अधिकांश राज्यों ने जनता के बीच जनता के बीच अपनी सत्ता की स्वीकृति, अपनी सत्ता की स्वीकृति, सत्ता की स्वीकृति कौमा राजनीतिक वैभव, राजनीतिक वैभव स्थापित करने के लिए, स्थापित करने के लिए एवं प्रसिद्धि अर्जित करने, प्रसिद्धि प्रसिद्धि अर्जित करने करने के उद्देश्य से, करने के उद्देश्य से
सैकड़ों भव्य मंदिर, सैकड़ों भव्य मंदिर एवं विशाल मंदिर, एवं विशाल मंदिरों का निर्माण कराया, निर्माण कराया। ओके, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। देखिए, जब नए नए राज्य हैं वो स्थापित होते हैं तो उन्हें जनता में उतनी स्वीकृति नहीं मिलती है, तो अपनी भव्यता को दिखाने के लिए, ओके, और अपनी जनता में स्वीकृति को बढ़ाने के लिए वो इस तरह के कार्य करते हैं, जैसे कि जो जनता में ज्यादा लोकप्रिय हो, ट्रस्ट को दिखाएं, और साथ में जो मंदिरों में फिर जो पुजारी लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं किसके प्रति तटस्थ होंगे, तो वो राजा के प्रति तटस्थ होंगे। तो अपनी अपने आप को बहुत ज्यादा जैसे प्रबल दिखाने के लिए, भव्य दिखाने के लिए भी वो ऐसा करते थे। ओके, तो आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारी ऐसी कि रथ पूजा आप लोगों ने देखी होगी, अश्व यज्ञ होते थे, तो वो क्यों कराए जाते थे? राजा होते थे वो अपने आप की भव्यता को, प्रसिद्धि को दिखाने के लिए ऐसा करते थे, जिससे लोगों के अंदर स्वीकृति है वो ज्यादा से ज्यादा बने। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके पीछे जो प्रौद्योगिकीय कारण भी बहुत सारे थे। देखिए, इसी समय पत्थर को तराशने पर पत्थर काट करके मूर्तियां बनाना, पत्थर काट के बहुत अच्छे अच्छे चीजें बनाना, ये परंपरा है, ये काफी तेजी से विकसित हो रही थी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मूर्तियों के बहुत ज्यादा मूर्तियों का विकास हुआ, पत्थरों को तराश के बड़े बड़े मंदिरों को बनाना, गुफाओं को बनाना, नई नई चीजों को बनाना, ये सारी चीजों का विकास हो रहा था। तो कहीं ना कहीं इन चीजों ने भी काफी इस चीज को विकास किया। तो हम देखिए, प्रौद्योगिकीय कारण की बात करें तो तीसरा कारण आपको देखने को मिलेगा, प्रौद्योगिकीय कारण। प्रौद्योगिकीय कारण, तो देखिए इसमें आपको देखने को मिलेगा, मौर्य काल से ही, मौर्य काल से ही भारत में, मौर्य काल से ही भारत में तक्षण कला क्या होती है? पत्थर को तराश करके उसमें मूर्तियों में तब्दील करना या फिर किसी भी प्रकार की आकृति देना, उसी को बोलते हैं तक्षण कला बोलते हैं। तक्षण कला की तकनीकी अर्थार्थ, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थार्थ पत्थर को काटकर, अर्थार्थ पत्थर को काटकर या तराशने की तकनीकी का काफी विकास हो चुका था, तकनीकी का काफी विकास हो चुका था, अतः प्रौद्योगिकीय विकास ने मंदिर निर्माण, यानी कि विकास ने मंदिरों के निर्माण निर्माण को प्रेरित किया या फिर प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया या फिर प्रोत्साहित किया। ओके, तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, जल्दी से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग आर्थिक कारणों के ऊपर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि भारतीयों पर मंदिरों के विकास, जो मंदिरों का विकास हुआ है, फिर उसका मंदिरों का क्या प्रभाव पड़ा हमारी भारतीयों के ऊपर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर्थिक कारण के ऊपर हम लोग आते हैं। ओके, तो चलिए, आप लोगों का ये कौन सा पॉइंट था? चौथा पॉइंट आपको ये देखने को मिलेगा, आर्थिक कारण।
आर्थिक कारण। ओके, तो देखिए आपको देखने को मिलेगा पूर्व मध्य काल में, पूर्व मध्य काल में राज्य द्वारा अनेक सामंतों को भूमि अनुदान दिया गया। इससे उनकी आय में काफी वृद्धि हुई, आय में काफी वृद्धि हुई। सामंत विलासी जीवन, विलासी जीवन एवं भव्य संरचनाओं के निर्माण में काफी के निर्माण में काफी रुचि रखते थे, काफी रुचि रखते थे। इससे उन्होंने रुचि रखते थे, इससे नहीं यहाँ पर होगा, वे अपनी शक्ति के दिखावे में वे अपनी शक्ति के दिखावे में विश्वास करते थे, शक्ति के दिखावे में विश्वास करते थे। इससे उन्होंने मंदिर निर्माण में निवेश किया। इससे मंदिरों के निर्माण को बल मिला। इससे मंदिरों के निर्माण में बल मिला। इससे मंदिरों के निर्माण में बल मिला। लिख लीजिए, इससे मंदिरों के निर्माण में बल मिला। ओके, ये चीज आप लोगों ने लिख ली होगी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं भारतीय जनजीवन पर मंदिरों का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। ओके, तो देखिए एक नई हेडिंग आप लोगों के लिए डालनी है, भारतीय जन जीवन में मंदिरों की भूमिका। ओके, अब मंदिरों की भूमिका के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए इसके बारे में आप लोग लिखिए। ओके, तो यहां पर आप लोगों के लिए डिक्टेट करा देते हैं, आप जल्दी जल्दी आप लोग लिख लीजिए। भारतीय जनजीवन में प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक मंदिर काफी बहुयामी भूमिका निभाते रहे हैं। मंदिर काफी बहुयामी भूमिका निभाते रहे हैं। बहुयामी भूमिका निभाते रहे हैं। भारतीयों के जीवन में मंदिरों की अनेक भूमिकाएं अनेक भूमिकाएं थीं जो निम्न हैं।
जो निम्न है, जो निम्न है, जो निम्न है। ओके, तो आपको अब हेडिंग डालना है राजनीतिक भूमिका। पहली हेडिंग आपको डालनी है राजनीतिक, राज नीतिक भूमिका, राजनीतिक भूमिका। ओके, तो देखिए राजनीतिक भूमिका में आप लोगों को लिखना है कि मंदिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति के भी प्रतीक होते थे। मंदिर राजनीतिक एवं प्रशासनिक शक्ति के भी प्रतीक होते थे, के भी प्रतीक होते थे। मंदिरों को शासकों द्वारा, मंदिरों को शासकों द्वारा बड़े बड़े भूखंड अनुदान में दिए जाते थे। मंदिरों को शासकों द्वारा बड़े बड़े भूखंड, बड़े बड़े भूखंड अनुदान में दिए जाते थे। अनुदान में दिए जाते थे ऐसे भूखंडों के निवासियों को मंदिर के आदेश का पालन करना पड़ता था। मतलब जो भी भूखंड है वो दिया जाता था मंदिरों के लिए, और उस भूखंड पर जो भी किसान, मजदूर, महिला, यानी कि जो भी लोग रहते थे, उन्हें मंदिर के नियमों का पालन करना पड़ता था। जो भी उनके आदेश होते थे उन आदेशों का पालन करना होता था। ओके, तो लिखना है ऐसे भूखंडों के निवासियों को मंदिरों के आदेशों का पालन करना पड़ता था। आदेशों का पालन करना पड़ता था क्योंकि राज्य मंदिर को भू राजस्व वसूली के साथ साथ क्योंकि क्योंकि राज्य मंदिरों को भू राजस्व वसूली के साथ साथ भू राजस्व वसूली के साथ साथ प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व भी देते थे। प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व, प्रशासनिक एवं राजनीतिक दायित्व भी देते थे। अतः मंदिर स्थाई झगड़ों एवं अपराधों का निपटारा करते थे। अतः मंदिर स्थानीय झगड़ों एवं अपराधों का स्थानीय झगड़ों एवं अपराधों का निपटारा करते थे। निपटारा करते थे मंदिर स्थानीय सामंतों को सामंतों को एवं स्थानीय सामंत मंदिर को एवं स्थानीय सामंत मंदिर को एवं शासक मंदिर को समर्थन देते थे एवं शासक मंदिर को समर्थन देते थे। इस प्रकार मंदिर की बेहद राजनीतिक प्रशासनिक भूमिका थी। इस प्रकार मंदिरों की बेहद राजनीतिक एवं प्रशासनिक भूमिका थी। देखिए क्या होता था कि जो मंदिर होते थे तो मंदिरों का निर्माण पैसा कहाँ से मिलता था? स्टार्टिंग में जो सामंत होते थे वही उसका निर्माण कराते थे, राजा होते थे वही निर्माण कराते थे, और फिर उसके अंदर जो पुजारी लोग होते थे वो कहीं ना कहीं लॉयल रहते थे राजा और सामंतों के प्रति। ओके, और इसी तरह से राजा और सामंत हैं वो किसको संरक्षण देते थे? मंदिरों को संरक्षण देते थे। तो
इस तरह से इनकी बेहद राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका मंदिरों की देखने को मिलेगी। ओके, इसी तरह से सामाजिक भूमिका की अगर हम लोग बात करें, दूसरे हेडिंग आपको इसी में डालना है, कौन सा? सामाजिक भूमिका हम लोग देखते हैं। दूसरा हेडिंग डालना है सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका, सामाजिक भूमिका मंदिरों के कारण समाज में, मंदिरों के कारण समाज में मंदिरों के कारण समाज में ब्राह्मण पुजारी वर्ग के वर्चस्व में ब्राह्मण पुजारी वर्ग के वर्चस्व में ब्राह्मण पुजारी वर्ग के वर्चस्व में वृद्धि हुई, वर्चस्व में वृद्धि हुई। मंदिर देखभाल के लिए अनेक अधिकारी, मंदिर देखभाल के लिए मंदिर देखभाल के लिए अनेक अधिकारी, अनेक अधिकारी वस्तुकार कौमा शिल्पकार, वस्तुकार कौमा शिल्पकार तथा नौकर चाकरों को नियुक्त किया जाता था, तथा नौकर चाकरों को नियुक्त किया जाता था, नियुक्त किया जाता था। अतः इससे हमेशा अनेक लोगों का जुड़ाव, अतः इससे अनेक लोगों का जुड़ाव, अतः इससे अनेक लोगों का जुड़ाव रहता था। मंदिरों के कारण ही देवदासी जैसी, मंदिरों के कारण ही देवदासी जैसी सामाजिक प्रथा का उद्भव हुआ, देवदासी जैसी सामाजिक प्रथा का उद्भव हुआ। प्राकृतिक आपदा के समय मंदिर राहत कार्य पहुंचाते थे, मंदिर राहत कार्य पहुंचाते थे। इस प्रकार समाज में उनकी प्रभावी भूमिका थी, इस प्रकार समाज में उनकी प्रभावी भूमिका थी। ओके, इसी तरह से जो सामाजिक भूमिका के बाद में आपको आर्थिक भूमिका के बारे में लिख लेना है, ये तीसरा पॉइंट है। आर्थिक भूमिका मंदिरों की हम लोग देख लेते हैं, आर्थिक भूमिका के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो देखिए मंदिर वित्तीय भूमिका का भी निर्वहन करते थे, मंदिर वित्तीय भूमिका का भी निर्वहन करते थे, मंदिर आर्थिक भूमिका का भी निर्वहन करते थे। मंदिरों द्वारा लोगों को ब्याज पर पैसे दिए जाते थे, मंदिरों द्वारा लोगों को ब्याज पर पैसे दिए जाते थे। इसके कारण पूंजी के कमी वाले क्षेत्रों में इसके कारण पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों में पूंजी की कमी वाले क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह के कारण नए नए उद्योग पूंजी प्रवाह के कारण पूंजी प्रवाह के कारण नए नए उद्योग एवं व्यवसायों कौमा रोजगार आदि कौमा रोजगार आदि
को बल मिला, को बल मिला। अनेक मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए, अनेक मंदिर तीर्थ स्थल, अनेक मंदिर तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए, तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हुए। मंदिरों में लोगों के निरंतर आते रहने के कारण, मंदिरों में लोगों के निरंतर आते रहने के कारण मंदिर स्थल के आसपास, मंदिर स्थल के आसपास, मंदिर स्थल के आसपास बाजारों कौमा सरायों, बाजारों कौमा सरायों यादि के निर्माण को बल मिला, यादि के निर्माण को बल मिला। अतः बे स्थान धीरे धीरे विकसित होकर नगर बन गए। अतः बे स्थान धीरे धीरे विकसित होकर नगर बन गए। धीरे धीरे विकसित होकर नगर बन गए। अतः मंदिर के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला। अतः मंदिरों के कारण नगरीकरण को बढ़ावा मिला। मंदिरों ने सिंचाई के अनेक साधनों जैसे मंदिरों ने अनेक सिंचाई के साधनों जैसे कुआं तालाब यादि का निर्माण कराया, कुआं तालाब यादि का निर्माण कराया। इससे कृषि के विकास को बल मिला, इससे कृषि के विकास को बल मिला, इससे कृषि के विकास को बल मिला। चलिए आप लोग सांस्कृतिक कारण भी लिख लीजिए, चौथा मतलब सांस्कृतिक भूमिका भी लिख लीजिए मंदिरों की, सांस्कृतिक भूमिका। अगर देखिए हम सांस्कृतिक भूमिका की बात करें तो मंदिरों की सांस्कृतिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। मंदिरों की सांस्कृतिक जीवन में, सांस्कृतिक जीवन में काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी, काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिक्षा साहित्य कला, शिक्षा साहित्य कला नृत्य संगीत आदि के विकास में, नृत्य संगीत साहित्य के विकास में मंदिरों ने काफी योगदान दिया। मंदिरों के आदि के विकास में मंदिरों ने काफी योगदान दिया, काफी योगदान दिया। भारत के शास्त्रीय नृत्य कला जैसे कि आपको देखने को मिलेगा, ब्रैकेट में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, मोहिनी आट्टम कौमा उड़ीसी कौमा कथकली और कौमा कथक। देखिए कथक अलग है, कथक कली अलग आपको देखने को मिलेगा। ओके कौमा कुचिपुड़ी भी आपको देखने को मिलेगा, कुचिपुड़ी जैसे यहाँ पर ईटीसी यानी कि यादि भी आप लोग इस तरह से लिख सकते हैं। के विकास में मंदिर संस्थानों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
विकास में मंदिर संस्थानों की काफी महत्वपूर्ण भूमिका थी। देखिए, मंदिरों में ही शास्त्रीय संगीत है, ये कार्यक्रम रेगुलर बेसिस पे चलते रहते थे, तो इनको काफी बढ़ावा मिला था। ओके, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। मंदिरों की अगर हम शैक्षणिक भूमिका की बात करें, तो चलिए थोड़ा सा हम लोग शैक्षणिक भूमिका की बात कर ले। ये पांचवा पॉइंट होगा शायद, एक मिनट, ये पांचवा पॉइंट है। शैक्षणिक भूमिका, देखिए अगर हम शैक्षणिक भूमिका की बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा मंदिर की अनेक भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका मंदिरों की अनेक भूमिकाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में भी थी। शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, शिक्षा के क्षेत्र में भी थी, शिक्षा के विकास में मंदिर ने काफी योगदान दिया। शिक्षा के विकास में मंदिर ने काफी योगदान दिया। ऐसे मंदिर जो शिक्षा देते थे, उन्हें घटित कायें कहा जाता था। यहां पर देखिए टा के नीचे इस तरह से टा लगा हुआ है, दोबारा से क्लियर लिख देते हैं। घटित कायें कहा जाता था, मतलब जिन मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी उनको घटित काय कहा जाता था। ओके, अब आपको पैराग्राफ चेंज करना है, लिखना है मंदिर के तहत वैदिक दर्शन कौमा पूर्व मीमांसा कौमा गणित एवं व्याकरण कौमा तर्कशास्त्र कौमा संस्कृत संस्कृत यादि की शिक्षा दी जाती थी। मंदिर संस्थान शिक्षा देने के लिए अनेक शिक्षकों आचार्यों को नियुक्त करते थे। अनेक शिक्षकों या आचार्यों को नियुक्त करते थे। अनेक विद्यार्थी मंदिर परिसर में रहकर शिक्षा प्राप्त करते थे, शिक्षा प्राप्त करते थे, अतः मंदिर अपने शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का भरण पोषण भी करते थे। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों का भरण पोषण भी करते थे। आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हैं, लेकिन मंदिरों के तहत दी जाने वाली शिक्षाओं की अनेक मामलों में सीमाएं भी थीं। लेकिन मंदिरों के तहत दी जाने वाली शिक्षाओं की अनेक मामलों में सीमाएं भी थीं। अधिकांश मंदिरों में शूद्रों एवं महिलाओं को अधिकांश मंदिरों में शूद्रों
तथा महिलाओं का प्रवेश नहीं था, शूद्रों तथा महिलाओं का प्रवेश नहीं था, प्रारंभ में केवल ऊपरी तीन वर्णों को ऊपरी तीन वर्णों को ही शिक्षा दी जाती थी ही शिक्षा दी जाती थी लेकिन बाद में केवल लेकिन बाद में केवल ब्राह्मण वर्ग के हाथों में यहाँ की शिक्षा प्रणाली सिमट कर रह गई। इसका अध्ययन क्षेत्र भी सीमित था। क्योंकि मंदिर में मुख्यतः धर्म दर्शन की ही शिक्षा दी जाती थी। इसमें भी केवल हिंदू धर्म एवं दर्शन पर मुख्य बल दिया जाता था ओके, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने लिख ली। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन है उसका आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, फिर आज की क्लास फिर ओवर हो जाएगी। ओके, तो चलिए हम देखते हैं जो मंदिरों की प्राचीन भारतीय या फिर भारतीयों के जीवन में भूमिका का मूल्यांकन कीजिए ओके, या फिर इस तरह से भी पूछा जा सकता है, आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए ओके। तो देखिए क्वेश्चन इस तरह से 250 शब्दों में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि 250 शब्दों में लिखिए। तो देखिए आपको किस तरह से इसको लिखना है, इसकी आंसर की थोड़ी फॉर्मेटिंग करा देते हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रो लिखना है ओके, मंदिरों के बारे में थोड़ा सा इंट्रो लिखना है, जो आप लोगों को पढ़ाए हैं वो आप लोग लिख सकते हैं इंट्रो वाला पार्ट ओके। देखिए ये कितने वर्ड में लिखना है, ये आपको ज्यादा वर्डों में नहीं, 20 से 25 से 30 वर्डों में आपको लिखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है, यानी कि 2 से 3 लाइंस में आप लोग लिख सकते हैं ओके। इसके अलावा देखिए आपका पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा। अब दूसरे पॉइंट में आपको ये इसके बारे में लिखना है, मतलब आपको जो भारतीयों के जीवन में इसकी भूमिका के बारे में लिखना है, मतलब सामाजिक भूमिका, अभी हम आपको बताए थे राजनीतिक भूमिका के बारे में ओके, इस तरह से सांस्कृतिक भूमिका, शैक्षणिक भूमिका, इन सभी भूमिकाओं के बारे में बताना है। देखिए जैसे कि दूसरे पैराग्राफ में आपको लिखना है थोड़ा सा सामाजिक भूमिका के बारे में, इसी तरह से आर्थिक भूमिका के बारे में, कॉमा राजनीतिक भूमिका के बारे में, कॉमा सांस्कृतिक भूमिका के बारे में, इस तरह से आप लोगों के लिए लिखना है ओके।
और इसके अलावा आपको तीसरे पॉइंट में लिखना है आलोचनात्मक पक्ष है उसके बारे में। देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज पर आपको थर्ड पॉइंट के बारे में हम बता देते हैं। थर्ड पॉइंट में आपको लिखना है, थर्ड पॉइंट में आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखना है आलोचनात्मक पक्ष के बारे में। आलोचनात्मक पक्ष के बारे में आप लोगों के लिए लिखना है। ओके, तो आलोचनात्मक पक्ष है हम आपको लिखा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ओके, फिर हम लोग मूल्यांकन के ऊपर भी चलेंगे। तो देखिए आलोचनात्मक पक्ष में आप लोगों के लिए क्या लिखना है, इसको भी आप लगभग में 50 शब्दों में लिख सकते हैं। तो देखिए आपको पॉइंट फॉर्म में लिखा देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से ए बी करके आप लोग अभी लिख लीजिए। तो ए लिखिए, अनेक अवसरों पर मंदिर किसानों से, अनेक अवसरों पर मंदिर किसानों से अधिक भू राजस्व की वसूली करते थे। मंदिर किसानों से अधिक भू राजस्व की वसूली करते थे। उनकी स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगाते थे। उनकी स्वतंत्र आवाजाही पर रोक लगाते थे। कई बार मंदिरों द्वारा दिए गए ऋण का ब्याज, कई बार मंदिरों द्वारा दिए गए ऋण पर ब्याज काफी ऊंचा होता था, काफी ऊंचा होता था, जिससे किसानों की शोषण की संभावनाएं बढ़ जाती थी। और आपको इसी तरह से बी पॉइंट लिखना है। ओके, इसी में बी पॉइंट लिखना है आपको, कई मंदिर निचली जातियों तथा महिलाओं को प्रवेश नहीं देते थे। कई मंदिर निचली जातियों तथा महिलाओं को प्रवेश नहीं देते थे। ऐसे मामलों में जातिगत तथा लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलता था। जातिगत तथा लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलता था। जातिगत तथा लिंग भेदभाव को बढ़ावा मिलता था। ओके, तो देखिए इससे क्या है, समाज में और ज्यादा भेदभाव बढ़ता चला जाता था। इसी तरह से सी पार्ट आपको लिखना है, अनेक मंदिरों के पुजारियों के द्वारा शारीरिक तथा मानसिक शोषण का कार्य भी किया जाता था। अनेक मंदिरों के पुजारियों के द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शोषण भी किया जाता था, भी किया जाता था। कई मंदिर शिक्षा देने में भी भेदभाव करते थे। कई मंदिर शिक्षा देने में भी भेदभाव करते थे। ओके, ये आपको लिखना है। अब देखिए इसी तरह से हम लोग चौथे पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसको नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको लिखना है, ये आलोचनात्मक परीक्षण है। ओके, मतलब एक तरह से मूल्यांकन बोल लीजिए, परीक्षण बोल लीजिए, निष्कर्ष बोल लीजिए, जो भी आप लोग बोलना चाहते हैं वो आप बोल सकते हैं। ओके, मूल्यांकन या फिर परीक्षण। ओके, तो या फिर निष्कर्ष भी आप लोग बोल सकते हैं, मतलब अपना मत भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोल सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना है, मतलब आपको अपना मत क्या देना है इसमें, यदि आप लोग लिखिए कुछ नकारात्मक सीमाओं के बावजूद, कुछ नकारात्मक सीमाओं के बावजूद मंदिरों की सकारात्मक भूमिका अधिक थी। मंदिरों की सकारात्मक भूमिका अधिक थी। मंदिरों की सकारात्मक भूमिका अधिक थी। आर्थिक तथा सांस्कृतिक विकास में मंदिरों ने अत्यंत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक विकास में मंदिरों ने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया।
अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया। यही कारण है कि आज भी भारतीयों के लिए मंदिर श्रद्धा के केंद्र के रूप में बने हुए हैं। मंदिर श्रद्धा के केंद्र के रूप में बने हुए हैं। श्रद्धा के केंद्र के रूप में बने हुए हैं। ओके, चलिए आज के लेक्चर को यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। लेक्चर पसंद आया तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें। देखिए यहाँ पर आपकी मेंस की आंसर राइटिंग भी कराई जाती है, तो इसलिए एक लाइक तो बनता है। ओके, कल हम लोग तीनों शैलियों के बारे में सविस्तार में देखेंगे, उनकी विशेषताओं के बारे में देखेंगे। ओके, कल कल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर अपना देखेंगे इसी के बारे में, मंदिर स्थापत्य कला के बारे में ही नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा। चलिए आज के लेक्चर यहाँ पर ही फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।